पुलिस और क्रिमिनल दो बिल्कुल अलग लोग अलग अलग रास्ते से अब खुलकर आमने सामने आ गए थे। डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासिमेडू बंदरगाह पर कासिमेडू जगा अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडोगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डागामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुड पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघा के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले है। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर एसिड अंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिससे उसे मुत्तई रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डागामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डागामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डागामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं, लेकिन वास्को डागामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डागामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्द ही वास्को डागामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डागामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्ते रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डागामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्ते रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरुड पंडित गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डागामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डागामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डागामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्ते रवि को बुलाता है और वास्को डागामा के दोस्त को पिटाई करता है, लेकिन वास्को डागामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटे की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डागामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डागामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डागामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में उबर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है और रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डागामा ने रवि के गुर्गों की पिटाई की लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डागामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डागामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे
कलकड़कर रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट डा गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडोगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डा गामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुर पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघ के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर एसिड अंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिससे उसे मुत्तई रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्द ही वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्ते रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्ते रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरे पंडित गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्ते रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटे की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल
रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डागामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में उबर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है। रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डागामा ने रवि के गुर्गों की पिटाई की, लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डागामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डागामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कर रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डागामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डागामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डागामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डागामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डागामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डागामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडुगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डागामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडिगुल में रहता है। उनके पिता मुरुड पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघा के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर एसिड अंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिससे उसे मुत्तई रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है, लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डागामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डागामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डागामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं, लेकिन वास्को डागामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डागामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्द ही वास्को डागामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डागामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्तई रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डागामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्तई रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरुड पंडित गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डागामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को
गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्ते रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है, लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटी की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डा गामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में ऊबर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है। रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डा गामा ने रवि के गुर्गों की पिटाई की, लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डा गामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डा गामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कड़ रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट डा गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडोगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डा गामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुड पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघ के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्ते रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर ऐसे डंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिसे उसे मुत्ते रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है, लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं, लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया।
और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्द ही वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्ते रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्ते रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरे पंडित गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्ते रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है, लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटे की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डा गामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में उबर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है और रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डा गामा ने रवि के गुर्गों की पिटाई की, लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डा गामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डा गामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़ रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट डा गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडुगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डा गामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुर पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघा के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्ते रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका।
इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर ऐसे डंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिससे उसे मुत्ते रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है, लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं, लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्दी वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्ते रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्ते रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरलपंडी गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्ते रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है, लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटी की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डा गामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में ऊबर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है। रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डा गामा ने रवि के गुर्गों की पिटाई की, लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डा गामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डा गामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कड़ रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट गामा ने
दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडोगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डागामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुड पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघ के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर एसिड अंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिसे उसे मुत्तई रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डागामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डागामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डागामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं लेकिन वास्को डागामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डागामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्द ही वास्को डागामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डागामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्तई रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डागामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्तई रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरुड पंडित गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डागामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डागामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डागामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्तई रवि को बुलाता है और वास्को डागामा के दोस्त को पिटाई करता है लेकिन वास्को डागामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटे की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डागामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डागामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डागामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में उबर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है और रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डागामा ने रवि के गुर्गो की पिटाई की लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डागामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डागामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कड़ रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डागामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डागामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डागामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डागामा ट्रेन में जाग गया।
केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडोगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डा गामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुड पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघ के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर एसिड अंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिससे उसे मुत्तई रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्द ही वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्ते रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्ते रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरे पंडित गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्ते रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटे की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डा गामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में उबर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है और रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डा गामा ने रवि के गुर्गों की पिटाई की लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डा गामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का
दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डा गामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कर रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। कासीमेडो बंदरगाह पर कासीमेडो जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडोगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डा गामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुर पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघा के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर एसिड अंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिससे उसे मुत्तई रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्द ही वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्तई रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्तई रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरर पंडित गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्तई रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटे की रक्षा के लिए उसे
अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डा गामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में उबर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है। रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डा गामा ने रवि के गुर्गो की पिटाई की, लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डा गामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डा गामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कड़ रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट डा गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडोगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डा गामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुड पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघ के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर ऐसे डंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिसे उसे मुत्तई रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है, लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं, लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्द ही वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्ते रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्ते रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने
दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरलपंडी गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्ते रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है, लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटे की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डा गामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में ऊबर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है और रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डा गामा ने रवि के गुर्गो की पिटाई की, लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डा गामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डा गामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़ रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट डा गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडुगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डा गामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुर पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघा के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर एसिड अंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिससे उसे मुत्ते रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह ना करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है।
उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्दी वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्ते रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्ते रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरलपंडी गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्ते रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटी की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डा गामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में ओवर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है। रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डा गामा ने रवि के गुर्गों की पिटाई की लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डा गामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डा गामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कड़ रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडोगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डा गामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुड़ पंडी
फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघ के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर ऐसे डंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिसे उसे मुत्तई रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है, लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं, लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्दी वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्तई रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्तई रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरपंडी गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्तई रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है, लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटे की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डा गामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में ऊबर गए और मुत्तई रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है और रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डा गामा ने रवि के गुर्गो की पिटाई की, लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डा गामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डा गामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कड़ रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्तई रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को
OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म DSP देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडोगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डा गामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुड पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघा के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर एसिड अंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिसे उसे मुत्ते रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे न मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्दी वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्ते रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्ते रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरे पंडित गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्ते रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटे की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डा गामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में ऊबर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है और रवि बकाया वसूल करता है। वो CM को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डा गामा ने रवि के गुर्गों की पिटाई की लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डा गामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखाई देता है। वास्को डा गामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कर रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला।
मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। कासीमेडो बंदरगाह पर कासीमेडो जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडोगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डा गामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुर पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघा के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर एसिड अंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिससे उसे मुत्तई रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्द ही वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्तई रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्तई रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरर पंडित गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्तई रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटी की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डा गामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था।
वो उस घटना में उबर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है। रवि बकाया वसूल करता है, वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डा गामा ने रवि के गुर्गो की पिटाई की, लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डा गामा ने एक पेट से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डा गामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कड़ रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट डा गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडोगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डा गामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुड पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघ के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर ऐसे डंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिसे उसे मुत्तई रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है, लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं, लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्द ही वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्ते रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्ते रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरे पंडित गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूष
पन्नों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डगामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्ते रवि को बुलाता है और वास्को डगामा के दोस्त को पिटाई करता है, लेकिन वास्को डगामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटी की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डगामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डगामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डगामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में ऊबर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है और रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डगामा ने रवि के गुर्गो की पिटाई की, लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डगामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डगामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कड़ रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डगामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डगामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डगामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डगामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रु की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डगामा रवि से लड़ता है और चंद्रु की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डगामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट डगामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडुगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डगामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुर पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघा के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर एसिड अंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिससे उसे मुत्ते रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह ना करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है, लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डगामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डगामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डगामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं, लेकिन वास्को डगामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डगामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर
गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्दी वास्को डागामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डागामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्ते रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डागामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्ते रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरर पंडित गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डागामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डागामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डागामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्ते रवि को बुलाता है और वास्को डागामा के दोस्त को पिटाई करता है, लेकिन वास्को डागामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटी की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डागामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डागामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डागामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में ओवर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है। रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डागामा ने रवि के गुर्गों की पिटाई की, लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डागामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डागामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कड़ रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डागामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डागामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डागामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डागामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहाँ मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डागामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डागामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासीमेडो बंदरगाह पर कासीमेडो जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडोगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डागामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुर पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघा के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्ते रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर एसिड अंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिसे उसे मुत्ते रवि नाम मिला।
वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्द ही वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्ते रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्ते रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरपंडी गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्ते रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटे की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डा गामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में ऊबर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है और रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डा गामा ने रवि के गुर्गो की पिटाई की लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डा गामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डा गामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कड़ रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट डा गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें
डिंडोगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डा गामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुड़ पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघ के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर एसिड अंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिससे उसे मुत्तई रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्दी वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्तई रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्तई रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरे पंडित गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्तई रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटे की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डा गामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में उबर गए और मुत्तई रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है और रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डा गामा ने रवि के गुर्गों की पिटाई की लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डा गामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डा गामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कर रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्तई रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में
चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडोगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डा गामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुड पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघा के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर एसिड अंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिससे उसे मुत्तई रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्द ही वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्तई रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्तई रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरुड पंडित गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्तई रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मुरुख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मुरुख पंडित अपनी बेटी की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डा गामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में ऊबर गए और मुत्तई रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है। रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डा गामा ने रवि के गुर्गों की पिटाई की लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डा गामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है।
कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डा गामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कड़ रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहाँ मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडोगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डा गामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुड पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघ के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर ऐसे डंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिसे उसे मुत्तई रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्द ही वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्ते रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्ते रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरे पंडित गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्ते रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटी की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है।
त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डा गामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में उबर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है। रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डा गामा ने रवि के गुर्गो की पिटाई की, लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डा गामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डा गामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कड़ रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गो के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट डा गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडोगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डा गामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुर पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघा के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर एसिड अंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिससे उसे मुत्तई रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह ना करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है, लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं, लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्दी वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्ते रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्ते रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे
उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरे पंडित गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्ते रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है, लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटी की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डा गामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में ओवर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है। रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डा गामा ने रवि के गुर्गों की पिटाई की, लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डा गामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डा गामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कड़ रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडुगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डा गामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुड पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघा के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर एसिड अंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिससे उसे मुत्तई रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है, लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम
किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डागामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं, लेकिन वास्को डागामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डागामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्दी वास्को डागामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डागामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्ते रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डागामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्ते रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरपंडी गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डागामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डागामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डागामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्ते रवि को बुलाता है और वास्को डागामा के दोस्त को पिटाई करता है, लेकिन वास्को डागामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटे की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डागामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डागामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डागामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में ऊबर गए और मुत्ते रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है और रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डागामा ने रवि के गुर्गो की पिटाई की, लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डागामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डागामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कड़ रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डागामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डागामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डागामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डागामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डागामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डागामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म DSP देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासीमेडू बंदरगाह पर कासीमेडू जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट डागामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडुगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डागामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुर पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघ के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं।
उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर एसिड अंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिससे उसे मुत्तई रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है, लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं, लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्दी वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमती उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्तई रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्तई रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरे पंडित गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्तई रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है, लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटे की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डा गामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में उबर गए और मुत्तई रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है और रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डा गामा ने रवि के गुर्गों की पिटाई की, लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डा गामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखाई देता है। वास्को डा गामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़कर रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था। वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्तई रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। विजय सेनापति की फिल्म डीएसपी देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। कासिमेडू
बंदरगाह पर कासिमेडो जगह अपने गुर्गों के साथ एक नाव के अंदर छिप जाता है। उसे एक धमाका सुनाई देता है। विस्फोट गामा ने दीवार को हथौड़े से तोड़ दिया और बाद में जग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिंडोगल जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वास्को डा गामा एक कोच में यात्रा कर रहा है और अपने पड़ोसी यात्रा को अपना फ्लैशबैक बताता है। वो डिंडीगुल में रहता है। उनके पिता मुरुर पंडी फूलों का व्यवसाय करते हैं और फूल व्यवसाय संघा के नेता है। वो अपनी माँ, अपने चचेरे भाई पुबली और अपनी छोटी बहन सुमति के साथ भी रहता है। उसका एक दोस्त चंद्रू भी है। चंद्रू के पिता देखभाल करने वाले हैं। उसी गांव में एक खतरनाक उपद्रवी मुत्तई रवि और उसका भाई राजा रहते हैं। छोटी सी उम्र में एक बदमाश उनके दादा की अंडे की दुकान पर आ धमका, इसलिए रवि ने उस बदमाश के चेहरे पर एसिड अंडे फेंक कर उसे मार डाला, जिससे उसे मुत्तई रवि नाम मिला। वास्को के पिता ने रवि को फूल बाजार में लोगों को धमकाते हुए देखने के बाद उसे अन्याय के खिलाफ विद्रोह न करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए कहा। अन्नपूर्णी अपने पिता सन्मुगम और अपनी दो बहनों कन्नपूर्णी और वन्नपूर्णी के साथ रहती है। उनके परिवार में एक मिठाई की दुकान है जहां ये काम करते हैं। एक दिन वो एक परीक्षा में शामिल होती है लेकिन अपना हॉल टिकट भूल जाती है। वास्को डा गामा उसे हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए घर पहुंचाने में मदद करता है। वास्को डा गामा ने उसका अपनाम किया क्योंकि वो उसे उसकी रोजगार फाइल देने में विफल रही। वास्को डा गामा और उसके पिता सरकारी नौकरी पाने के लिए रवि से मिलते हैं लेकिन वास्को डा गामा के एक दोस्त ने उन्हें उनसे ना मिलने के लिए मना लिया और ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। वास्को डा गामा और उसकी बहन हमेशा अपनी बहन के साथ होने वाले हर गठबंधन पर पैसे का दाव लगाते हैं। जल्द ही वास्को डा गामा को अन्नपूर्णी से प्यार हो जाता है। एक दिन वास्को डा गामा चंद्रू के पिता को अपने खेतों में ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये चाहते हैं कि सुमति उनकी बहू बने। बाद में रवि के गुंडों ने उसे चाकू मार दिया और मुत्तई रवि ने उसे काट डाला। पुलिस ने वास्को डा गामा का अपमान किया। वो जवाब देता है मुत्तई रवि हत्यारा है। रवि ने विधायक को समझाया कि चंद्रू के पिता ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उनसे उन्हें मार डाला। कुछ दिनों बाद चंद्रू का परिवार शादी के लिए सुमति का हाथ मांगने आता है। सुमति और मुरर पंडित गठबंधन को स्वीकार करते हैं और वास्को डा गामा भावनात्मक रूप से चंद्रू को गले लगाता है। सुमति और चंद्रू की सगाई हो गई और वास्को डा गामा ने आभूषणों के साथ अपने गठबंधन के दाव को तय किया है। जब वास्को डा गामा के दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो एक लॉरी चालक से बहस करते हैं। ड्राइवर का मालिक मुत्तई रवि को बुलाता है और वास्को डा गामा के दोस्त को पिटाई करता है लेकिन वास्को डा गामा आता है और रवि की पिटाई करता है। इससे रवि अपमानित होता है। मूर्ख पंडित रवि के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन रवि उसे थप्पड़ मार देता है। मूर्ख पंडित अपनी बेटी की रक्षा के लिए उसे अपनी बेटी की शादी से दूर भेज देता है। त्रिची के पास एक मोटल में वास्को डा गामा को पड़ोसी यात्री और रवि द्वारा संगठित गुंडे द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। बाद में वास्को डा गामा डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वास्को डा गामा सो जाता है और फिर बताता है कि मोटल घटना के बाद क्या हुआ था। वो उस घटना में ऊबर गए और मुत्तई रवि विधायक अलमर्थन के सहायक से रूप में काम करते थे। अलमर्थन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है। रवि बकाया वसूल करता है। वो सीएम को पैसा देते हैं और विधायक बन जाते हैं। वास्को डा गामा ने रवि के गुर्गों की पिटाई की लेकिन रवि को छोड़ दिया। रवि ने चेतावनी दी कि वो 10 दिनों में किसी की हत्या कर देगा। वास्को डा गामा ने एक पेड़ से गिरे ड्रोन को जब्त कर लिया। वो अपने पुलिस स्टेशन का दौरा करता है और अपनी टीम से मिलता है। अन्नपूर्णी ने बताया कि मुपिल्लई विनायगम उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात शव दिखा देता है। वास्को डा गामा के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कलकड़ रमेश नामक अपराधी को मारने के लिए कहा। वास्को डा गामा ने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया और रमेश की सफलतापूर्वक मार डाला। मपिल्लई विनायगम ने वास्को डा गामा और अन्नपूर्णी की शादी कराने के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नाटक की योजना बनाई। ड्रोन फुटेज देखने के बाद वो रवि को लोगों को हत्या करते हुए देखता है। वो पंडित और उसके आदमियों को पकड़ता है और पीटता है। पंडित की कबूलनामे के अनुसार आखिरकार हत्या का आदेश राजा ने दिया था।
वास्को डा गामा फिर राजा की हत्या कर देता है। प्रतिशोध में रवि ने बटला गुंडू बाजार में एक किल बम विस्फोट की योजना बनाई। वास्को डा गामा ट्रेन में जाग गया। केरल में वो एक ट्रेन यात्री का पीछा करता है जहां मुत्ते रवि छिपा हुआ है। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक में विस्फोट में चंद्रू की मौत हो गई और सुमति घायल हो गई और रवि को विधायक पद से हटा दिया गया। वास्को डा गामा रवि से लड़ता है और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल कैन सहित आग में फेंक देता है और वास्को डा गामा चला जाता है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है।